Assalamu alaikum. Myself is Muhammad Shabir and you are watching the Muhammad Shabir 1.0 YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग आपको InPage के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सिखाएंगे. अगर आपको InPage में उर्दू टाइपिंग करना नहीं आती तो ये मैं एक थंबनेल दिखा रहा हूँ. इसमें मैंने मुकम्मल तरीका बताया है कि आप उर्दू में कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी एक घंटे में, इनके 60 मिनट्स में आप टाइपिंग करना सीख जाएंगे. इस वीडियो को मैं वीडियो की एंड स्क्रीन पर रख दूंगा और इसका जो लिंक होगा वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं. अब इन पेज को आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो तरीका आपको हम बताएंगे. इसके अलावा जब आप इन पेज को इंस्टॉल कर लेते हैं उसमें कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो टाइपिंग जो हम टाइप करते हैं उसकी तरतीब होती है गलत, उस तरतीब को हमने करना है सेट, वो भी तरीका आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा. तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि इन पेज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है. जी तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इंस्टॉल करते हैं इन पेज के प्रोग्राम को. लेकिन उससे पहले कुछ है इंस्ट्रक्शंस, उसको हम देख लेते हैं. किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से पहले WinRAR या WinRAR के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा और साथ ही K-Lite 3:1 प्लेयर को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपका प्रोग्राम आसानी से इंस्टॉल हो सके. शुक्रिया. यानी कि इसमें दो चीज़ें इजाफी आपको मिलेंगी, एक मिलेगा आपको WinRAR का सॉफ्टवेयर और एक आपको मिलेगा K-Lite 3:1 प्लेयर. अब ये आपका है WinRAR का सॉफ्टवेयर, इसमें मैंने दोनों रख दिए हैं, एक 32 बिट में है एक 64 बिट में है. अगर आपकी विंडो 32 बिट में है तो आप 32 बिट वाला इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आपकी वीडियो है 64 बिट में तो आप 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लेंगे. उसके बाद साथ ही आपका है K-Lite 3:1 प्लेयर, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेना है कि जब आप ये तरीका सीखें, इसमें एक वीडियो रख दी जाएगी, जब आप ये तरीका सीखेंगे, ये उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ को परचेज करेंगे, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, जिन लोगों ने इसको परचेज करना है ठीक है, अगर वो वीडियो को दोबारा से देखते हैं तो उसके लिए पहले उनको K-Lite 3:1 प्लेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर पहले से उनके सिस्टम इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर ये WinRAR भी पहले से इंस्टॉल है तब भी वेल एंड गुड ठीक है, अगर नहीं है तो इनको आपको पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा. अभी आपको काफ़ी सारे आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, तो कुछ ये zip फॉर्मेट में है और कुछ ये सादा है. zip फॉर्मेट में क्यों है ये थोड़ा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है. सबसे पहले हम यहाँ से WinRAR के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं. मैं करता हूँ ये 64 बिट वाला क्योंकि मैंने विंडो 64 बिट में कर रखी है. मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद एक बॉक्स आएगा, ये आपसे पूछेगा येस या नो. मैं भी आपको स्क्रीन पर नज़र ना आए क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद इसको इंस्टॉल करेंगे तब ये बॉक्स लाजमी आएगा. इसको मैं येस कर लेता हूँ तो मेरा ये फिर एक बॉक्स आ गया. इस बॉक्स में से नीचे से मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको मैं कर दूँगा ओके. दो जी मेरा WinRAR का सॉफ्टवेयर हो गया इंस्टॉल और मेरे वो उन zip आइकन की शेप भी चेंज हो जाएगी. इसको मैं डन कर लेता हूँ. मैं इसको चेक करता हूँ वापस आके. जब मैं चेक करूँगा आप देखेंगे कि मेरे उन यानी कि जो फोल्डर थे देखें उनकी ये WinRAR यानी जो WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है उसने अपने शेप में इसको समो दिया है. अच्छा अब हम इन पेज की तरफ आते हैं. इन पेज को अब देखेंगे, इन पेज पड़ा हुआ यहाँ पे देखें, इन पेज पर आप डबल क्लिक करते हैं. डबल क्लिक किया दोबारा से आपने ये उर्दू कलेक्शन, इसके मैं आइकन को बड़ा कर लूँ, ये देखिए इनको बड़ा किया. डबल क्लिक इसके भी आइकन्स को बड़ा कर लेते हैं, ये मैंने बड़ा किया. दोबारा से इसमें मिलेगा मुझे इन पेज, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा इसका सेटअप, सेटअप पे मैं डबल क्लिक करूँगा. उसके बाद फिर ये मुझसे पूछेगा येस या नो, इसको मैं कर दूँगा येस कर दूँगा. अब नीचे से मुझसे ये पूछेगा नेक्स्ट, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा. उसके बाद ये मुझसे पूछेगा आई एग्री, मतलब कि मैं एग्री हूँ कि मैं इसको यानी कि इसको मैंने इंस्टॉल करना है, तो मैं एग्री हूँ तो मैं आई एग्री करूँगा, नेक्स्ट करूँगा. उसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछेगा ये कंपनी नेम, यहाँ पूछेगा नेम या कंपनी, ऊपर जैसे लिखा विंडोज़ यूज़र, मैं ये रहने देता हूँ,
यहाँ पे जो कंपनी वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप कोई भी नाम, जैसे मैं सपोज ABC में कर देता हूँ, ये मैंने किया। करने के बाद अब मैंने, आप अपना नेम ऊपर दे सकते हैं, नीचे आप अपने कास्ट या अपने कंट्री का या अपने सिटी का नेम दे सकते हैं। इसको मैं करूँगा नेक्स्ट, करूँगा नेक्स्ट किया, अगेन मैंने नीचे से नेक्स्ट करना है, दोबारा फिर मैंने इसको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। अच्छा, अगर यानी कि ये आपसे ऐसे मांगे रिट्रे, रिट्रे का आपसे ये ऑप्शन मांगे बाय चांस, ये मांगे, ठीक है, अव्वल तो नहीं मांगेगा, अगर मांगता है, ठीक है, मेरे सिस्टम मांग रहा है, अगर आपके पास, उम्मीद करता हूँ नहीं मांगे, अगर मांगे तो आपने ये रिट्राई पे क्लिक आपने करते रहना जब तक ये बॉक्स आपका गायब ना हो जाए। सॉरी, आपने रिट्राई के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आपने इसको करना है कैंसिल करना है, इसको आपने कैंसिल करते आना है, इन कैंसिल में कर, इसको मैं कैंसिल करते आऊँगा, उस वक्त तक आपने इसको कैंसिल करना है जब तक आपका ये बॉक्स बंद ना हो जाए। देखें, हमारा इन पेज हो चुका है, यानी कि इंस्टॉल, इसको आपने कर देना है फिनिश। अब इसका डेस्कटॉप पे खुद ब खुद एक आइकन बन के आ जाएगा, ये टॉप साइड पे देखें, इसका ये आइकन बन के आ चुका है, इसको पकड़ के मैं ले आता हूँ साइड पे। अब मैं इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ, मैं भी आपके ये माइंड में हो कि यानी कि ये इसको कैंसिल करवा रहा है तो ये नहीं चलेगा, ये लाजमी चलेगा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं करूँगा ओके, इसको मैंने ओके किया। उसके बाद अब मैंने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके इसको मैं करता हूँ न्यू, करता हूँ न्यू करके इसको मैं कर लेता हूँ ओके कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी मैं साइज़ को बड़ा करता हूँ, साइज़ को मैंने बड़ा किया। उसके बाद 20 में कर लेता हूँ बोल्ड। अब मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ कि मेरा, देखें मेरा नाम मोहम्मद, ये देखें शब्बीर है, लिख रहा है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि काफ़ी दफ़ा ये लिखता नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ ये लिखता नहीं है, तब आपने इसकी लैंग्वेज को करना चेंज। चेंज करने के लिए आपने एडिट के मेन्यू पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रीफ्रेंसेज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसमें आपको मिलेगा कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेज, एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है फोनेटिक। लेकिन जब आप इन पेज को नया इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे फोनेटिक नहीं लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता है पहले मैं वो चीज़ कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है, पहले से लिखा होता है मोनोटाइप लिखा होता है, इस मोनोटाइप को आपने कन्वर्ट करना है फोनेटिक में। अगर मैं मोनोटाइप करके ओके कर देता हूँ, अब मैं एक मिसाल के अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि जैसे मैंने पहले अपना नेम लिखा था लेकिन मुझसे वो नाम नहीं लिखा जाएगा, देखिए मैं M के बटन को प्रेस करता हूँ इससे रे आ रहा है, अगर मैं Y के बटन को प्रेस करता हूँ इससे नून आ रहा है, R से, ये देखिए R से क्या आ रहा है, सीन आ रहा है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ कि A लिखता हूँ, A से क्या आ रहा है, काफ आ रहा है, इसकी सेटिंग आउट है। तो आपने करना क्या कि आपने एडिट पर क्लिक करना है, किस पर क्लिक करना है, प्रीफ्रेंसेज पर क्लिक करना है, फिर आपने कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये जो मोनोटाइप लिखा हुआ है, मोनोटाइप पे क्लिक करके इसको नीचे से अपने कर लेना है फोनेटिक, कर लेना है फोनेटिक, किया फोनेटिक करके इसको अपने करना है ओके करना है। अब आप लिखेंगे, जैसे लिखता हूँ एम से देखें मीम आ रहा है, वाई से ये आ रहा है, आर से रे आ रहा है, ए से अलिफ आ रहा है मेरा, एन से नून आ रहा है, ए से अलिफ आ रहा है, एम से मीम आ रहा है, नाम देखें बिल्कुल सही लिख रहा है, ठीक है। अब वो आपको बताता हूँ मैं विन आर के बारे में, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, उसकी तरह हम वापस आते हैं। मतलब कि काफ़ी दफ़ा हमारी फाइलें हो जाती हैं करप्ट हो जाती हैं, फाइलें हमारी काम नहीं करती, इसलिए मैंने इसको विन आर में कन्वर्ट किया। अगर आप इन पेज को यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करें, आपका इन पेज इंस्टॉल ना हो, तो आपने ये इनके इन पेज ये वाला जो जिप वाला है ये, इस पर आपने करना है राइट क्लिक, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर, क्योंकि इसके अंदर भी इन पेज है, जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तब आपका इन पेज बाहर आ जाएगा। इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर, अब आप देख सकते हैं, देखिए इन पेज आपके दो बन चुके हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, डबल क्लिक करेंगे, अंदर सारी सेटिंग वही है जो कि हमने अभी रिसेंटली हमने यूज़ की है, ये देखें सारा कुछ वही है, ऑल टू ऑल, ये देखें। मेरा कहने का मकसद यही था कि अगर सबसे पहले आपने बाहर से इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है, अगर ये बाहर से इंस्टॉल ना हो तब आपने यहाँ पर आके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, हेयर करके ये इसका बाहर आइकन आ जाएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अपनी इस ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उस ज़िंदगी का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी नमाज़ों को वक्त पे अदा कीजिएगा और कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़िएगा। सांसों ने साथ दिया तो एक नई वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।